बोलने में मेरा ख़्याल है मेरा जितना भी ये अंदाज़ है अगर आपको पसंद है तो उसका ज़्यादा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है क्योंकि हमारे घर उर्दू बहुत अच्छी बोली जाती है और मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आपको अपनी ज़बान पे फख्र होना चाहिए आपकी जो भी जबान है आया वो उर्दू है या पंजाबी है या बलोची है या फ्रेंच है या जापनीज़ है पशतो है जो जबान आप बोलते हैं और अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती या कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उस पर आपको शर्मिंदा या सुरदा नहीं होना चाहिए बिकाज़ इंग्लिश आना या ना आना सिर्फ इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए सारी दुनिया में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है लेकिन ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए हम क्योंकि गुलाम रहे बहुत अरसा अंग्रेज़ों के इसलिए हमारे जहन में ये एक ग़ुलामाना सोच रही कि अंग्रेजी जिसको नहीं आती वो शायद कमतर है ऐसा कुछ नहीं है हमें अपनी ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए सारी दुनिया में जो बड़ी तरक्याफ्तम कौमें हैं जैसे जापान है या फ्रेंच हैं लोग या जर्मन हैं या जापनीज़ हैं ये सब लोग अपनी जबान पर बहुत फख्र महसूस करते हैं और बाहर कभी भी दूसरी जबान में नहीं बोलते कोशिश करते हैं कि अपनी जबान पर अगर नहीं आती तो इंग्लिश नहीं आती तो इनको कोई इस बात का कॉम्प्लेक्स नहीं होता सिर्फ ये यह हमारे यहाँ ये सोच है तो प्लीज़ अपने आप से अपनी ज्यादा से ये कॉम्प्लेक्स निकाल दें कि अंग्रेजी कोई किसी का को बरतर बनाती है अंग्रेजी ना ना किसी को कमतर बनाती है सब कुछ नहीं है हाँ हाँ और जब आपको अपनी उर्दू पे अपनी ज़बान मादरी ज़बान पे कमांड होती है तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप अच्छा बोलते हैं आपका अंदाज़ अच्छा होता है और उर्दू तो बड़ी ख़ूबसूरत ज़बान है हर जबान की अपनी एक चाशनी है मुझे पंजाबी भी बड़ी प्यारी लगती है बाकी जबानें मुझे आती नहीं हैं नहीं तो शायद वो भी मैं बोलता अगर आप इख्तियार में तो अपना नाम चेंज करते नहीं इन द शाडो ने कहा मुझे नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं कभी भी नहीं मुझे कोई शौक नहीं है अपने नाम चेंज करने का और मैं बड़ा खुश हूँ अपने नाम के साथ आपका नाम आपकी ताकत होती है बचपन से आपके कान उस पर ट्यून हुए हुए होते हैं आप हमेशा अपने नाम पर ही मुड़ के देखते हैं अगर कोई पुकारता है आपको तो अगर आपको कोई और नाम से पुकारा जाए मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर वो वो चीज़ आएगी कभी भी नहीं राना अंडर्स को एहसन साद तेरा ने कहा कि जी फ्यू लाइन्स ऑफ सयरा यूसुफ सारा यूसुफ बहुत अच्छे एक्टर्स है जी उन्होंने मेरे साथ काम किया था मेरा नसीब में उस नई थी और बहुत उन्होंने बहुत ही इनोसेंट उनका कैरेक्टर था एंड आई विश ऑल द लक एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस वेयर एवर शी गोज़ वट एवर शी डज अल्लाह उसको बहुत खुशियाँ दे और बहुत ही वो अच्छी मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी को स्टार के साथ मैंने एक ही काम किया एक ही सीरियल किया लेकिन उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है और मुझे बहुत लगता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है कैन आई एक्सपेक्ट यू टू कम टू इंडिया वी अंडर स्कोर काविया अंडर स्कोर ने कहा आई ड नो अब इंडिया हमारे पाकिस्तान और इंडिया के तलक़ा जब सही होंगे इन शे ज़रूर सही हो और हम किसी गलत डायरेक्शन में ना निकलें अमन uh, रहे दोनों मुल्कों में तो ज़रूर आऊँगा uh, जी टीम बासी ने कहा कि, of, have, have no. मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था और ना ही मेरी कभी ख्वाहिश थी um, अगर ने दिया तो उसका बहुत एहसान है बट आई टू बी सुपर स्टार और स्टार आपकी वाइफ भी डाक में काम करती हैं रसूल बख्श ने रसूल बख्स बी यू एक्स वन वन जीरो ने मुझसे सवाल किया जी रसूल बख्श साहब मेरी वाइफ

Uh, आप सब लोगों के लिए भी एक की है यानी चाबी है टू बिकम अ हैप्पी पर्सन दैट वेन वाई यू आर डिप्रेस्ड, जस्ट थिंक ऑफ टाइम एज एज अ टेम्पररी मोमेंट कोई भी चीज इसकी इम्पर्मनेंस के बारे में आप सोचेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली आप उससे निकल आएंगे कि ये कभी वक्त हमेशा नहीं रहेगा और अपने आप से पूछें कि क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसको अपना ये मोमेंट ज़ाय करने दे रहा हूँ इस वक्त को इस परेशानी को अपनी परेशानी को लिख लीजिए किसी जगह पे और उसको देखें किसी कॉन्सिक्वेंस प्रोजेंट कॉन मैक्सिमम क्या होगा लेकिन जब आप कागज़ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो चीज़ एक मटीरियल फॉर्म में एक चीज़ के साथ आपके सामने आती है और आपकी जहन से निकल जाती है एंड अगेन योर बिलीफ इन योर गॉड इज़ द बेस्ट रेमिडी टू टू ट्रीट योर स्ट्रेस और एंगजाइटी और डिप्रेसन जब अल्लाह ने इस बात का वादा किया है कि आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा जब वो कहता है कि वो सौ सत्तर माहों से ज़्यादा आपको चाहता है तो माँ कभी बच्चे के लिए परेशानी जो भी आपकी परेशानी आती है यह भी एक नमत होती है ये भी एक आपका गम जो होता है ये भी एक टेस्ट होता है एक ट्रायल होता है सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम एंड डोंट टेक एनी मोमेंट एनी परेशानी एनी सफरिंग एज ए नेगेटिव थिंग एंड और उसके अंदर से हमसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालें और बस hmm. यही है खुशी का सबसे बड़ा रज ओके अच्छा थैंक यू सो मच यासिर आतिफ uh, यासिर लतीफ फॉर प्रेजिंग माई वॉइस एंड आपको नातें अच्छी लगती हैं um, डू यू कुक तहरीम अफजाल अब्बासी अच्छा आपका दूसरा सवाल आ गया आए नहीं मैं बिल्कुल मुझे कुकिंग नहीं आती है uh, हाँ मुझे सैलड्स बनाने बहुत अच्छे आते हैं रॉ सैलड्स और ये मैंने एक नया फ़न सीखा है सो आई एम वेरी गुड एट मेकिंग सैलड्स एंड ड्रेसिंग्स ओके क्या आपका सैयद इमरान अब्बास ऑफिशियल सीक्रेट आईडी है लैला अंडर स्कोर सा ने कहा नहीं मेरा कोई दूसरा सीक्रेट प्राइवेट आईडी नहीं है इसलिए अगर आ, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है या कोई रहा रख रहा है आपसे कि ये कह कि के इमरान अबास हूं आपको फॉर मेरी तरफ से इजाज़त है कि रिपोर्ट और ब्लॉक कर दीजिए फॉरन इन विच सोसाइटी ऑफ कराची यू लिव अब्दुल्लाई इन एंड फ्राम इस्लामा इस्लाबादी नहीं हमेशा ओके बुक्स और बाइसिकल उम्मतुल अजीब सा कुछ कंपेरिजन है बट बुक्सर आई एम अग फैन समर्ड्स फॉर पश्तून पूछा है मेहरान खान अंडर स्कोर एम के अंडर स्कोर ने आ, क्या मार्टोलो पुख्तानो सरा सरामीना दे अच्छा वरु सिक्स एट सेवन फोर ने कहा इन योर चाइल्डहुड वट डिड यू थिंक अबाउट सिनेमा बचपन में सिनेमा मुझे एक जादू की नगरी लगती थी मुझे लगता था कि जो एक्टर्स होते हैं ये भी कुछ कुछ यूजल कुछ खलाई मखलूक होंगे कुछ और ही होगा इनको ये कैसे लोग होंगे आम जिंदगी में मुझे सिनेमा बहुत बहुत फैसिनेट करता था लेकिन जब मैं खुद इस फील्ड में आया तो मेरा वो सारा उस सिनेमा के लिए मेरी जो फैसिनेशन थी वो खत्म हो गई क्योंकि फिर आप जब उसका पार्ट बनते हैं तो आपको बहुत सारी हकीक़तों से आप आगाह होते हैं सो आई थिंक इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग बट उस वक्त का मैजिक कुछ और था जब हम बचपन में देखते थे और सिंगल स्क्रीन के सिनेमा और सिंगल स्क्रीन पे जो लोग आते थे और एक्टर आते थे तो उनको एक बड़े लाजिंद लाइफ लगते थे अब वो बात नहीं है ये मुझसे पूछा है जी वरु सिक्स एट सेवन फोर ने सर खान ने पूछा माई क्वालिफिक हो कि आप कल मर जाओगे तो आप कौन सा काम करेंगे तो आ, ऐसा कौन सा काम करोगे ये मुझसे पूछा जी जवाद राजपूत चौड़ी थ्री ने यार अगर ऐसा कुछ हुआ तो अवल तो मौत का किसी को इलम नहीं होता ये अल्लाह ही जानता है अगर आपके पास दिन कम रह गए हैं तो आई थिंक uh, आप सबसे माफी मांगे बहुत से लोगों का आपने दिल दुखाया होता है जानते हुए ना जानते हुए आम, क्योंकि तौबा के दरवाजे आपके लिए आखिरी वक्त तक खुले होते हैं आखिरी सांस तक अल्लाह से तोबा करें वो सारे उन गुनाहों की जो आप ना में कर गए हो या जानबूझ कर गए हों लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन सारे लोगों से माफ़ी मांगें क्योंकि अल्लाह हाला तो शायद माफ़ कर दे लेकिन हकुक आबाद कोई माफ़ नहीं करेगा तो ऐसा ना हो कि आखिरत में आपको ये चीज़ प्रॉब्लम करे इसलिए सबसे पहले तो ये कि आप मैं माफ़ी मांगूंगा सबसे जिनसे मेरी कोई भी मैंने ऑलरेडी सबसे माफ़ी मांग ली है वैसे तो अभी कभी भी कुछ अगर कुछ हो जाता है तो आई एम सेफ और बाकी ये कि हाँ मैं सोचूंगा कि यार ये प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें किसको देनी है किसके नाम करनी है तो जल्दी जल्दी वसीयत बनाऊँगा <laughs>